कितना तकलीफ, कितना कुछ तो में कर रहा है, बच्चा लोग छोटा बच्चा लेकर कोई लोग पिगमिन होकर जा रहा है तो इतना दुख, कुछ तो बुरी बुरा लोग भी जाना नहीं सकता है। दिन में 400 रुपया, 100 रुपया गाड़ी पर आने में 200 रुपया जाता है, बांदौदा जाता है, मेरा घर बांदौदा में है, तो 200 रुपया दे देगा, खाएगा क्या बच्चा, क्या पिए खाएगा। ये गोविंद जो क्या हो गया ना, उसको जल्दी थोड़ा जल्दी बना देने से अच्छा है ना। हम लोग को तकलीफ में जी रहा, अभी क्या बोले, हम लोग को भी भरा वरा अभी ठीक ठाक से नहीं मिल रहा है, खराब होते रहने के चक्कर में अभी बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। स्कूल आने जाने करने के लिए पूरा पैदल आना पड़ता है, वहाँ से पैदल आके पूरा टेम्पो पकड़ के जाना पड़ता है। यही आप देख सकते हैं मेरे पीछे काफ़ी लोग जो निर्जुली नहर लगन से आ रहे हैं, वो यहाँ से यहाँ तक तो टेम्पो पर आते हैं, लेकिन इसके बाद वो पैदल जाते हैं जहाँ उनको जाना है, क्योंकि ये जो रास्ता है NH-415 काफ़ी दिनों से बंद पड़ा हुआ है, और ये ब्रिज को लोग पैदल मार के यूज़ कर रहे हैं, अपना गाड़ी को उस पर रख के उस पर पैदल आता है, फिर यहाँ से टेम्पो या कुछ पकड़ के आगे जाता है, और जो निर्जुली से बंदरद्वारा जिसको जाना होता है वो यहाँ तक टेम्पो से आता है, उसके बाद फिर पैदल मार के ब्रिज क्रॉस करता है, उसके बाद वो बंदरद्वारा को जाता है। तो लोगों का वही कहना है, काफ़ी मैंने टेम्पो ड्राइवर से भी बात किया, काफ़ी जो खजिंसा के लोग थे उनसे भी मैंने बात किया, और काफ़ी जो आसाम से जो आ रहे थे लोग उनसे भी मैंने बात किया, सबका वही कहना है कि सरकार इसको जल्द से जल्द बनाए ताकि लोगों को ज़्यादा परेशानी का सामना करना ना पड़े। क्योंकि मैंने एक महिला से बात किया, महिला का कहना था कि काफ़ी जो पेशेंट हैं, जो बीमार पड़ा महिला है, जो प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं, उनको काफ़ी दिक्कत होता है होलोंगी बंदरद्वारा से हारमती गुमतो होके जब वो नहरलगन जाते हैं, तो उनका वही कहना था कि सरकार अगर इस रोड को या ये इस ब्रिज को भी जल्दी बनाती है तो जो प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं उनको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। तो आइए चलिए देखते हैं हम इस रिपोर्ट में। मेरा नाम सोरमया क्यों है, हम कृष्ण सा ऊपर दोबा में बैठता है। अच्छा, ये कहाँ से आ रहे हैं? अच्छा, कहाँ से आ रहे हैं आप? जो हम ऊपर दोबा से अभी न्यू दिल्ली जाएगा बोल के यहाँ में 2 घंटा लगा है। अच्छा, वाह, इतना सांस फूलने तक जाना पड़ता है। ये गोविंद जो क्या हो गया ना, उसको जल्दी थोड़ा जल्दी बना देने से अच्छा है ना। हम लोग पब्लिक लोग बहुत तकलीफ है, गुमतो होके भी जा नहीं सकता है ना, हम लोग का यहाँ में निर्जली काम होने से तो यहाँ से तो आना जाना करना पड़ेगा। ये वाला लोग चक्केदार लोग बोला है कि हम लोग को यहाँ में पार करने नहीं देगा बोल के ना, उस दिन से यहाँ ये रास्ता जो ब्लॉक हो गया तो हम लोग को यहाँ जाना पड़ता है इसे। अच्छा, रिश्ता भी लगता है बोलता है काम करने वाला लोग, इसलिए गवर्नमेंट उसको थोड़ा ना जल्दी इम्पोर्टेंट लेके जल्दी सोल्व करने से अच्छा है। रास्ता है ना, ये रास्ता जल्दी होने से हम लोग का अच्छा है, हम लोग का भी बहुत पैसा जाता है, ये गाड़ी भरा, हम लोग गरीब आदमी मजबूरी करने वाला आदमी काम करता है, हम लोग का लिए बहुत अच्छा है ये रास्ता जल्दी हो जाने से, बहुत अच्छा है, हम लोग को ही चाहिए, गवर्नमेंट से वही दुआ है हम लोग का, जय हम लोग का मोदी सरकार जल्दी कर दीजिए, वही हमको चाहिए। इसलिए अभी 100 रुपया लेता ना लगन, हम लोग कमाता दिन में 400 रुपया, 100 रुपये गाड़ी पर आने में 200 रुपये जाता है, बांदौदा जाता है, मेरा घर बांदौदा में है, तो 200 रुपया दे देगा, खाएगा क्या बच्चा, क्या पिए खाएगा, हमको वही ज़रूरत है, मतलब जल्दी रास्ता हो जाएगा, ये दुआ है मेरा भगवान से, जो जल्दी होने से कैसे जाना है। और ब्लॉक पॉइंट अभी रास्ता ठीक ठाक नहीं है, और ब्लॉक पॉइंट में अभी ये कंपनी लोग चल रहा है, और ऊपर में ऊपर रोड को भी अभी तक नहीं खुल रहा है, पूरा ब्लॉक करके रखा हुआ है, और गवर्नमेंट लोग अभी तक ऊपर रास्ता को अभी तक इनिशिएटिव नहीं ले रहा है, और हम लोग इतना कुश्तों से कृषि से और न्यूर जुली अब डाउन करना पड़ता। अच्छा, तो कैसे करके आप डाउन कर रहे हैं, क्योंकि रास्ता तो ब्लॉक है आप लोग का? रास्ता तो ब्लॉक है, और यह कंपनी का ब्रिज से ज़बरदस्ती करके पार करके जाना पड़ता है। अच्छा ठीक है, तो कितना टाइम लग जाता है इसे पहले का कंपेयर में? वहाँ से यहाँ तक लगभग 3 घंटा लगता है। चलिए ठीक है, अभी हम लोग यहाँ से ब्लॉक पॉइंट से भरा मर रहे, पहले तो बांदरदा से भरा मरता था, अभी ये रास्ता टूटने का वजह से अभी हम लोग ब्लॉक पॉइंट से ये नया ब्रिज बनाया, यहाँ से जो पैदल आ रहा है उसी को हम लोग अभी नहरलगन में लेके जा रहे हैं, अभी बहुत तकलीफ में जी रहा है, अभी क्या बोले, हम लोग अभी भरा हो रहा, अभी ठीक ठाक से नहीं मिल रहा है, अभी ऐसे करके चल रहा है। गवर्नमेंट को क्या अपील करेगा? गवर्नमेंट को वही है, हम लोग तरफ से मतलब बहुत जल्दी बना, जल्दी तरह बना देने से ठीक है। हम लोग का प्रोग्राम को देखो ना, किससे रास्ता ब्लॉक होकर आदमी लोग का आना जाना करने के लिए बहुत दिकदारी, बहुत कुछ तो उपाय नहीं है, गाड़ी घोड़ा जाने के लिए भी रास्ता नहीं है, ऐसे पैदल मार के आया, 1 किलोमीटर आधा से पैदल मार के आया है। अच्छा, तो रास्ता तो खराब है, पैदल कहाँ से मारा है आप? एक तो तुरंत पैदल जाने के लिए तो रास्ता तो है, गाड़ी जाने के लिए तो नहीं है, पैदल जाने के लिए तो रास्ता तो है। अच्छा, गवर्नमेंट तो बोल रहे हैं कि हम लोग काम कर रहे हैं बोला है, लेकिन काम तो वो जगह पे जहाँ पे मिट्टी गिरा वहाँ तो दिखाई नहीं दे रहा, आप क्या बोलना चाहिए गवर्नमेंट को? गवर्नमेंट को क्या बोलेगा, गवर्नमेंट तो वो तो दिखता ही है, और रास्ता किसे आदमी लोग आना जाना नहीं करता है, किसे गाड़ी घोड़ा नहीं जाता है, वो लोग तो अपना खुद जाता है, अपना खुद देखता है, हम लोग क्या बोलेगा इसको ना, वो लोग को जानते हुए भी हम लोग नहीं जानते हैं बोलने से, तो वो तो गलती होगा ना, अलग के ये तू जानता है, देखो रास्ता कैसे करा पाए, कैसे है, इस तरह भी जाने नहीं सकता, इस तरह भी जाने, ये भी ब्लॉक हो रहा है, तो ये भी बात भी ब्लॉक होगा नहीं है, इसे हो रहा है, दलों बना रहा है, और दलों से भी
है नहीं, अभी हुआ ही नहीं है धर्म, तो होने से तो ये से हो जाएगा, जल्दी तो कर देना है। तो आदमी लोग कितना तकलीफ कितना कुश्तों में कर रहा है, बच्चा लोग छोटा बच्चा लेकर कोई लोग पिगमिन होकर जा रहा है, तो इतना दुख कुछ तो बुरी बुरा लोग भी जाना नहीं सकता है, कहाँ से इधर से आना जाना नहीं करने से। तो हम लोग ऑफिस से तो ये जगह में है, हम लोग को बंदरद्वा में नहीं है, तो वो तो असम है, हम लोग को अरुणाचल को ये तो कैपिटल पे जाना है, उधर में ऑफिस में जाना है, कुछ करना है, बिजनेस उधर ही करता है, कुछ हाजरा होने से भी उधर ही करता है। हम लोग के जाने के लिए रास्ता बहुत ब्लॉक हो रहा है, अभी खाने पीने के लिए बहुत दिकदारी हो रहा है, हमें आकिंग तार रहे हैं। अच्छा, क्या प्रॉब्लम हो रहा है? बंदर देवा से है और ये दोस्त को थोड़ा पहुंचाने के लिए और साथ ही साथ में शायद विजिट करने के लिए आया है देखने के लिए। अच्छा, क्या प्रॉब्लम हो रहा है सर इधर? प्रॉब्लम वही है कि ये जल्दी जल्द बन जाने से अच्छा है कि हमारा सब कृषि सा बंदर देवा और जितना जो हमारा लोग के लिए थोड़ा सुविधा मिले उतना ही है। कितना देर लगा सर पैदल मार के पार करने में? पैदल मार के वो तकलीफ भी हुआ, उधर रोड वोड कोई ये लोग हैंडीकेप लोग जाने से थोड़ा तकलीफ हो सकता है, रोड पैर में लगेगा कुछ लगेगा, गिर जाने से तो प्रॉब्लम हो जाएगा, वही है। इसलिए जल्द से जल्द माने उसको पूरा कंप्लीट कर देने से अच्छा है, गवर्नमेंट से हमारा वही दरखास्त होगा। तो बताएँ हम ये दोईमु हाई सेकेंडरी स्कूल में पढ़ता है, ये आका रास्ता खराब होते रहने के चक्कर में अभी बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, स्कूल आने जाने करने के लिए पूरा पैदल जाना पड़ता है, वहाँ से पैदल आके पूरा टेम्पो पकड़ के जाना पड़ता है, ये अभी पूरा कंटिन्यू अभी ऐसे ही जा रहे थोड़ा दिन से। कितना दिन हो गया आपका ऐसे पैदल जाने वाला? थोड़ा हो गया अभी 6-7 दिन हो गया शायद। अच्छा, गवर्नमेंट से क्या अपील करना चाहेगा? थोड़ा अच्छा से बना दो रास्ता, थोड़ा अच्छा से देख दो।